नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। नैनीताल में दो परिवारों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, एक दर्जन लोग घायल। खबर उत्तराखंड के नैनीताल के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नगीना कॉलोनी में बीती रात दो परिवारों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। घायल पीड़ित परिवार कोतवाली पहुंचा, जहां पुलिस ने सभी घायल लोगों को इलाज के लिए हल्द्वानी भेज दिया। सभी घायलों का इलाज हल्द्वानी में चल रहा है। वहीं पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताते चले कि किसी पुराने मामले को लेकर बाबू हसन और सलीम के परिवार के बीच कल देर रात्रि कहासुनी हो गई। देखते ही कहासुनी खून खराबे में बदल गई। इधर घायल सलीम की पत्नी रेहाना के अनुसार उनके पड़ोसी मीर हसन, बाबू हसन, छोटू, असलम, मुन्नी और नगमा की लगे डंडे लेकर देर रात्रि उनके घर में घुस आए, जिन्होंने पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए, जिसके चलते उनके घर में चीख पुकार मच गई। उसने बताया कि उक्त हमले में उसके पति मोहम्मद सलीम उम्र 46, जो कि निगम में लकड़ी का काम करते हैं, तथा वह स्वयं और बेटी निशा 18, शमा 19, रुखसार 16, सायमा 15, मुस्कान 12 और अजीम 14 को बुरी तरह मारा पीटा। निशा की 8 माह की बेटी को भी नहीं बख्शा, वह भी बुरी तरह जख्मी है। उसने बताया सभी लोग परिवार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालकुआं पहुंचे, जहां उनका उपचार चल रहा है। इस घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों के बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दोनों परिवारों से जुड़े लोगों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कोतवाली पुलिस कॉलोनी में रहने वाले लोगों से व्यापक जानकारी हासिल कर रही है। वहीं पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के हल्द्वानी भेज दिया है। फिलहाल अभी तक कोई तहरीर नहीं आई है। वही पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आइए जानते हैं घायल रेहाना और घायल की बेटी निशा ने क्या कहा। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। लालकुआ नगीना कॉलोनी रहते हैं। कोई बात सर नहीं हुई, ये बात हुई थी दोपहर। एक लड़की अंजलि नाम की, इसके घर 5-6 साल से रह रही है। तो एक पड़ोस की लड़की थी, पड़ोस में अगर रहता है कोई भाई होता है, कोई बहन होती है तो बोली जाते हैं। तो वो लड़की बोल गई बाबू ये कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। तो उसने मारा उसको गली में। तो कोई बात नहीं, वो बात ख़त्म हो गई। करीब 4 बज गए तो फिर मैंने उसके मम्मी खड़ी पापा खड़े, मैंने कि जब तुम्हारे घर पर लड़की रह रही है, मैंने कि इस लड़की को क्यों मारा तुमने। तो बोला तुम्हारी कौन है। तो मैंने कि ये बता फिर कि तेरी कौन है। तो बोला तुम चली जाओ यहाँ से। तो मैं जो थी घर को आ गई थी। फिर सब बात ख़त्म हो गई। 7 बजे के टाइम वो लड़की आई मुझे बुलाने, बोली खाला मैं खाना बनाऊंगी, तुम बैठ जाना। मैं एक बच्ची को लेकर अपनी बैठ गई हूँ। पड़ोस की और औरतें भी बैठी थी 2-3। अब वो अपनी बातें कर रही थी, मैं कुर्सी पे बैठी थी। तभी एकदम आया घर में से डंडा लेके। बाबू हसन था, झूठते गाली देने लगा, गंदी गंदी गाली दी उसने, मुझे भी दी, एक औरत और थी उसे भी दी। मैं उठ के आने लगी तो उसकी अम्मा पहुँच गई। तो मैं लड़के को अपने समझा लो, अब उन्हें लड़के को नहीं समझाया। मैं आई गली की तरफ को तो उसने हाथ में उसके कोई डंडा उसके बाप ने छीन लिया, वो मेरे पीठ में मारा धाड़ से। जब पीठ में मारा तो मैं वहाँ पे गिर गई। फिर उठी मैं तो फिर उसके हाथ में वो चक्कू था, पता नहीं तो उन्हें ये मारा सिर में। तो मैं जो थी उसी सरता के घर में से निकल के मैं तो थाने को भागने लगी। जब भी हमारे घर वालों से गई, घर वाले आए तो उन्हें गली में घेर लिया। बाप ने, बेटों ने, चारों बेटों ने मारा है, और बहन थी उसकी, एक माँ थी, सब ने मारा। अब हम लोग खाली हाथ है, कुछ नहीं, दो में भी क्या करते हैं। फिर घर में हम आ गए थाने को तो घर में घुस गए, लड़कियों को मारा हैगा, क्योंकि लड़का 2 नंबर का काम करता है। कितनी बार जेल जा चुका है, स्मैक बेचता है, अफीम बेचता है, इंजेक्शन बेचता है, दिन भर यही काम है इसका, लड़कियों को रख के धंधा करवाता है। और पुलिस वुलिस अभी कुछ नहीं पहुँची, यहाँ अस्पताल में पुलिस आई है। क्या बात हुई पुलिस? अब बात हुई है क्या, उन्होंने कि मेडिकल लेकर आओ, उसके बाद हम देखते हैं क्या है क्या नहीं। क्या बात हुई? बात तो कोई नहीं थी, हमने बेटों को दिखा ली मुन्नी को लेके, तो इनके डंडा चक्कू आ रहा कहीं क्या। अब हम लोग गए तो हमारे भी मारा। कौन लोग थे मारने वाले? वो एक पड़ोस में बाबू सर हो गया, उसके बाप मेरे सर भाई है, पूरा घर था उनका। किन किन को मारा घर में? सबको मारा, मम्मी पापा को, बहन भैया सबको। पुलिस में रिपोर्ट कराई? हाँ, फिर बाद में मम्मी मम्मी आ गई तो घर में घुस गए, जो लोंडे हाथ में थी मेरे से डंडा मार दे रहे, तो उसको बचाने चक्कर मेरे लग गया। फिर कितने लोग थे वो लोग? पूरा घर था, 8-9 जने थे वो। अच्छा, घर में किसको को मारा? बहनों को मारा, मम्मी पापा को मारा, जी मारा, सबको मारा। पुलिस पुलिस को बुलाया? नहीं, गए थे थाने वगैरह मेडिकल कराओ। यहाँ पहुँचा हॉस्पिटल, अब कहाँ जा रहे हैं? अब कहाँ जाएंगे, अस्पताल जाएंगे, तारे भगवान में।
ठीक है।